हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जेएसएलपीएस में जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज दो पोस्ट के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, एएसईओ और ओसीए, मतलब ब्लॉक एडमिन और डिस्ट्रिक्ट एडमिन कम कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट। ये दोनों पोस्ट के सिलेबस के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर सिलेबस है वो एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का है। ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दोनों जो एडमिन स्टाफ हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, उसके लिए ये दोनों सिलेबस जो है दोनों इक्वल रहने वाला है। तो पहला जो यहाँ पर है रिटर्न एग्जाम जो होगा वो 60% वेटेज का होगा, 60 नंबर का यहाँ पे ये लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, और 40% जो है वेटेज जो है इसका ये टेक्निकल टेस्ट होगा। मतलब 60% आपका रिटर्न एग्जाम में पूछा जाएगा और 40% जो है ये टेक्निकल टेस्ट होगा। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दिया जाएगा और कुछ एक्सेल में जो है फॉर्मूला दिया जाएंगे, कुछ पावर पॉइंट दिए जाएंगे। ये 1 घंटा का एग्जाम होगा जो रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, उसका रिटर्न जो निकाल लीजिएगा उसका टेक्निकल टेस्ट होगा। तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं इसको और विस्तार से देखते हैं इसका सिलेबस। तो इसमें जो क्वेश्चन रहने वाला है ये 50 क्वेश्चन रहने वाला है, 1 घंटा का ये एग्जाम होने वाला है, 60 नंबर इसमें होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक रॉन्ग क्वेश्चन में 0.25% आपका नंबर कटेगा, 4 रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कटेगा। तो ये यहाँ पर टोटल यहाँ पे इस तरह का ये पैटर्न रहने वाला है पूरा एग्जाम का। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका, अगर हम लोग सिलेबस का बात करें तो इसमें जेएसएलपीएस एनआरएलएम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी काम चल रहा है जेएसएलपीएस में ये सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो मेन जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहेगा ये कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड रहेगा, कंप्यूटर शॉर्टकट हो गया, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी टाइपिंग हो गया, इंग्लिश टाइपिंग हो गया, ये सबसे रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे, इसमें शॉर्टकट भी रहेंगे जिसको पूछा जाएगा, इंटरनेट का फुल फॉर्म रहेगा। उसके बाद झारखंड जीके के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, नॉर्मल जो जीके सीसीएफटीसी में रहेगा उसी तरह का इसमें भी रहेगा। फुल फॉर्म्स कुछ पूछे जाएंगे, मैथ यहाँ पर मैट्रिक लेवल के पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछा जाएगा, बहुत इजी रीजनिंग मैथ ये सब रहता है, करंट अफेयर पूछा जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, अदर यहाँ पे ये सब से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल में ये सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप लोग तैयारी कीजिए, वीडियो भी अलग अलग आएगा इसका, फिलहाल आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सिलेबस है वो ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट का है। ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट का ये अगला हम लोग का सिलेबस है। इसमें से जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है तो इसमें भी 60% का रिटर्न टेस्ट होने वाला है और 40% यहाँ पे टेक्निकल टेस्ट होने वाला है। इसमें जो टेक्निकल टेस्ट होगा इसमें एक्सेल पावर पॉइंट ये सब फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोनों का टेक्निकल, अकाउंट असिस्टेंट और एडमिन, ये दोनों का टेक्निकल टेस्ट में बस यही अंतर रहेगा कि एडमिन का जो टेक्निकल टेस्ट होगा उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना होगा और जो अकाउंटेंट का होगा उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग नहीं रहेगा, बस यही दोनों का टेक्निकल टेस्ट में अंतर रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका सिलेबस जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह का सिलेबस है। यहाँ पे पैटर्न जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा का होगा, 60 नंबर रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 0.25 और रॉन्ग आंसर पे कटेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका सिलेबस देख लेते हैं, जेएसएलपीएस एनआरएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन रह सकते हैं वो है यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि काम जो करना है वो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड करना है अकाउंट असिस्टेंट को, तो यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन फाइनेंस और अकाउंट से रह सकता है। तीसरा जो ज्यादा क्वेश्चन रहेगा वो कंप्यूटर और इंटरनेट से रहेगा, उसके बाद झारखंड जीके रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स रहेगा और अदर रहेगा, ये सारा चीज यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है कुछ कुछ अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इसमें फाइनेंस और कंप्यूटर ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बाकी सब चीज जो है सब की तरह नॉर्मल ही रहेगा, जैसे मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, ये सभी चीज। तो ये दोनों पद से रिलेटेड आज जो है सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया, ये सब के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा आने वाले वीडियो में। मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफी समय देना पड़ता है, ये सब में टाइम देना पड़ता है, अनुभव के आधार पर आप लोगों को वीडियो मिलेगी सारा चीज।
यहाँ पे जो काम का मेरा अनुभव है उसके आधार पर आप लोग को सारा चीज इसमें बताया जाएगा। काफी समय से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जेएसएलपीएस में, तो यहाँ पे अनुभव के आधार पर आपको बताया जाएगा। कुछ कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल से भी जो है क्वेश्चन तैयार करके उसको जो है आप लोगों के बीच दिया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए और आगे आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। बहुत सारा जो है चैनल में दिखाया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करने का, ये सब करने का, बहुत सारा गूगल में भी देखा जा रहा है। तो एक बात आप लोग ध्यान से उसको गांठ बांध लीजिए, ध्यान से उसको आप लोग ये कर लीजिए कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है जेएसएलपीएस का एग्जाम में वो वापस ले लिया जाता है एग्जाम खत्म होने के बाद। तो कोई भी सोर्स से क्वेश्चन को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है जेएसएलपीएस का, जो भी एग्जाम होता है एग्जाम होने के बाद वो वापस ले लिया जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग कोई भी बहकावे में नहीं आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग निरंतर वीडियो को देखिए, आप लोग जरूर सक्सेस होइएगा। और एक चीज जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी एग्जाम है आपका रिटर्न एग्जाम जो है जो भी है, इसमें ज्यादा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आगे आने वाले समय में आपको अलग अलग वीडियो दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।